जब भी हम कोई इन गेम आइटम खरीदते हैं, चाहे उसे फ्री फायर में खरीदे, वैलोरेंट में खरीदे, बीजीएमआई में खरीदे, पबजी में खरीदे, या फिर किसी भी एक्स वाई जी गेम के अंदर खरीदे, क्या वो आइटम असल में हमारे पास होता है? क्या वो हमारे वॉलेट में पड़ा है? वो गेम के वॉलेट में तो पड़ा है। तुम फ्री फायर में कोई आइटम खरीदा, फ्री फायर में उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई स्किन खरीदी है, बीजीएमआई में खरीदी है तो बीजीएमआई में एक्सेस कर सकते हो। बट अगर मान लो कि मुझे अपने किसी सेपरेट वॉलेट के अंदर थीम स्किन चाहिए, क्या वो मेरे को मिलता है? कुछ नहीं। क्या जो आइटम हमने खरीदा है गेम के अंदर, क्या हम उसको कभी सेल कर सकते हैं कि यार मेरे को ये बंडल अच्छा नहीं लग रहा, मैं बेच देता हूँ, या फिर ये बंडल बहुत पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत रेयर बंडल है, मैं इसको बेच देता हूँ? नहीं ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन है। पर्टिकुलर एक सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बट हम कहीं और दूसरी जगह नहीं शेयर कर सकते उसको, कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारे पास किसी भी तरह की गेम के अंदर किसी भी इन गेम आइटम की कोई ऑनरशिप नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हम लोग वेब 2.0 पर चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है, वेब 3.0 फ्यूचर है, क्योंकि वेब 3.0 बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा देगा। एंड मैं इतना बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अगर वेब 3.0 की गेम्स पॉपुलर होती हैं तो फ्यूचर में अर्निंग बूस्ट अप होने वाली है। मैं बताता हूं आपको क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। इस वीडियो पूरा जुड़ना, और हाँ, ये वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी गेम, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बंदे को हम पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है बुरा तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सही खेल गया बैन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गेमिंग असल में कितना बड़ा है, या फिर गेमिंग सेक्टर कितना बड़ा है। इस टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है? 8 बिलियन। और मैं अगर आपसे कहूं इस 8 बिलियन का जो 3 बिलियन है वो गेमर्स है या फिर गेमिंग करते हैं, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 26% निकल के आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे म्यूजिक और मूवीज को मिला दें तब भी यहाँ पे गेमिंग के बराबर नहीं आते हैं, ये उनसे भी बड़ा सेक्टर है। और अगर हम बताएं तो इसमें बिलियन मिलियन डॉलर्स का कैश फ्लो होता है, एंड यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई कि गेमिंग असल में कितना बड़ा है, पर गेमिंग असल में कितना ज्यादा पावरफुल है, अब आपको ये बताना चाहूंगा। आपको एग्जांपल देता हूं, आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा म्यूजिक के लिए लोग आर्टिस्ट अपनी कॉपीज बेचते थे, सीडीज बेचते थे, कैसेट्स बेचते थे, और हम उनको परचेज करके घर लेके आते थे और अपने म्यूजिक स्टेशन पे आकर इनको बजाते थे और एंजॉय करते थे। पर टाइम बदला, सभी चीजें डिजिटलाइज हुई और पूरा म्यूजिक सेक्टर भी पूरा डिजिटलाइज हो गया। आज के टाइम पे सभी चीजें Spotify, Jio Music एंड YouTube और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ चुका है, जहां पे म्यूजिक पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया टेक्नोलॉजी के साथ। और वहीं अगर हम गेमिंग की बात करेंगे, गेमिंग शुरुआत से ऑनलाइन था और ऑनलाइन होने के साथ ही साथ गेमिंग ने किस तरीके से हमारे रियल वर्ल्ड को चेंज करना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे गेमिंग के लिए गेमिंग चेयर्स आती हैं, कर्व्ड मॉनिटर आते हैं। आज के टाइम पे मॉनिटर खरीदने से पहले आप सोचते हो कि भाई इसका रिस्पांस टाइम क्या है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आने लगे गेमिंग में। तो ये सारी की सारी चीजें एक ऑनलाइन चीज, एक ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब एक ऐसी कमोडिटी जो यार ऑनलाइन है, पूरी रियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। इससे पता चलता है कि गेमिंग कितना ज्यादा पावरफुल है एंड कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और आने वाले टाइम पे ये बढ़ता ही जाएगा। एक चीज मैं ओपनली कहना चाहूंगा, कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो उस सेंचुरी या उस डेकेड के इनोवेशन को कंट्रोल कर सकती है, वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसीलिए अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी अलग अलग रूल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट अब गेमिंग सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है, अलग अलग रूल्स लेके आ रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली आपको पता होगा राजीव चंद्रशेखर जी ने 3 नए नियम लेके आ गए गेमिंग को लेकर, भैया ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें होंगी, अलग अलग तरीके से गेम्स को कंट्रोल करा जा रहा है, बैन किया जा रहा है। और इस चीज से साफ समझ में आता है कि गवर्नमेंट भली भांति इस चीज को समझती है कि गेमिंग सेक्टर कोई मामूली सेक्टर नहीं है, ये वो इन्फ्लुएंशियल सेक्टर है जो यूथ को कंट्रोल करता है, और जो यूथ को कंट्रोल करता है वो देश को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में। असल में वेब 3.0 है क्या, और यहाँ पे कभी ना कभी हमने इसका नाम तो सुना है, बट ये क्या होने वाला है, वेब 2.0 से किस तरीके का अलग है, और डिजिटल ऑनरशिप क्या होने वाली है, गेमिंग का फ्यूचर होने वाला है वेब 3.0, बट हम लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब 3.0 है क्या, बट उससे पहले बात करते हैं वेब 2.0 के बारे में। इस टाइम पे जितने हमारे गेमिंग टाइटल्स हैं वो सारे के सारे वेब 2.0 पर रन कर रहे हैं। जितने भी टाइटल्स हैं उनके अंदर सभी की सभी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड एक पर्टिकुलर सर्वर पे सेट है, और यहाँ पे आपका जितने भी इन गेम आइटम्स हैं वो भी सारे के
सारे उस पर्टिकुलर सर्वर पे सेट है कि भाई अगर आपके पास कोई डिजिटल आइटम है, इन गेम करेंसी है, फिर इन गेम कोई आइटम है तो एक पर्टिकुलर सर्वर पे है, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हुई तो वो आपका आइटम आपके हाथ से निकल गया, गायब हो गया। बट वेब 3.0 आने के साथ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, एक पर्टिकुलर सर्वर पे ना होकर के एक पर्टिकुलर जगह पे ना होकर के वो अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करेगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, स्पेशली फायदा मिलेगा डिजिटल ऑनरशिप का। अगर गेम्स इसको सपोर्ट करती हैं तो अब आप लोग अपना इन गेम आइटम सेल परचेज सब कुछ कर सकते हो। चलो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी एक पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो 2-3 साल से, आपके पास शुरुआत से एक बहुत रेयर बंडल पड़ा हुआ है, आप उसको यूज भी करते हो, बट अब क्या हो रहा है उस बंडल की हाइप अचानक से बनने लगी क्योंकि इस पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर ने उस बंडल के साथ खेलना स्टार्ट किया, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है। बट अगर आपको उस बंडल को सेल करना है तो आपको अपनी पूरी पूरी आईडी सेल करनी है, जो कि गलत है। इस टाइम पे अगर हम बात करेंगे गेम्स के अंदर किसी भी तरीके से आईडी सेलिंग आप लोगों के लिए इल्लीगल है कि आप अपनी आईडी सेल नहीं कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी सेल नहीं कर सकते इन गेम आइडेंटिटी। बट वेब 3.0 आने के साथ आप अपनी आईडी सेल मत करो, आप वो पर्टिकुलर बंडल उठाओ और उस अकाउंट में ट्रांसफर करो, उससे पैसा लो और पूरे पूरे सिक्योर मीडियम के अंदर, यहाँ पे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मतलब डेटा पूरे डिसेंट्रलाइज है, आपको एक पर्टिकुलर छोटी सी फाइल उठानी है, उसके उसमें डालनी है और उसको मिल जाएगा बंडल, उसके साथ एंजॉय कर सकता है, स्किन के साथ एंजॉय कर सकता है और आपको अपना पैसा मिल गया। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, अगर हम बात करेंगे लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे अलग अलग गेम्स के अंदर क्रिएटर मोड आने लग गए हैं, अगर हम फ्री फायर के बारे में बात करेंगे क्राफ्टलैंड जैसे मोड आने लग गए जहां पर आप लोग खुद अपने हिसाब से अपना मैप डिजाइन कर सकते हो, अगर हम बात करेंगे बीजीएमआई में भी कुछ ऐसे सीन है कि भाई यहां पे नए नए मोड्स आने जिसके अंदर अपने हिसाब से मैप सेट करोगे और वो मैप में आप लोग खेल सकते हो। अगर बात करेंगे ये सारा कुछ कहां से स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ माइनक्राफ्ट से। अगर आप लोग ध्यान दोगे माइनक्राफ्ट के अंदर कई बार ऐसे कमीशन वॉल्स होते हैं, कई बार ऐसे ऐसे वॉल्स मिलते हैं जिनको परचेज करना पड़ता है, लोग उनको सेल करते हैं कि एक पर्टिकुलर उसने कासल बना दिया और वो कासल वहां पे जाकर किसी और को बेच रहा, किसी और को पसंद आया और उसके लिए वो हजारों रुपए कमा रहा है। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम पे जितने भी गेम्स वो समझ पा रहे हैं कि देखो भाई ये डिजिटल इकोनॉमी होने वाली है एंड कुछ इसी तरीके से लोग इस पर एंजॉय करेंगे, इसको फन पे लेंगे, तो यही कहूंगा अगर आप गेम में टाइम दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो भरपाई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको डिजिटल एसेट्स मिलनी चाहिए, जो आपके पास स्किन्स है वो आपकी डिजिटल एसेट्स होनी चाहिए। वेब 3.0 आने के बाद ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बट अगेन लास्ट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये सारी चीजें ठीक है बट ये सारी चीजों को क्या इंडिया सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? इस टाइम पे अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है डिजिटल सेक्टर को, बट अगर हम बात करेंगे वेब 3.0 काफी नया होने वाला है, इसको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, गवर्नमेंट शायद इसमें शुरुआत में कुछ गलतियां करेंगी और कुछ गलतियों को सुधारेगी भी, बट वेब 3.0 जब आएगा तो बिल्कुल ही गेमिंग का फ्यूचर चेंज हो जाएगा, जहां पे अब आप लोग गेम खेलोगे नहीं, गेम से पैसा भी कमाओगे, गेम से कैरियर भी बनाओगे और अगर आपके पास कोई इन गेम पैसा लगा करके है तो उसको सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं इस टाइम पे मैं जिस तरीके से गेमिंग इकोनॉमी को देख पा रहा हूं या फिर गेमिंग सीन को देख पा रहा हूं उसके हिसाब से वेब 3.0 फ्यूचर होने वाला है एंड देखते हैं कि किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल भी है गवर्नमेंट के बाद भी पब्लिक किस तरीके से इसको अडॉप्ट करती है, मास में लोग किस तरीके से इसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है एग्जैक्टली आने के साथ ही पॉपुलर नहीं हो जाती है, लोग उसको अडॉप्ट करना नहीं लग जाते हैं क्योंकि लोगों को टाइम लगता है समझने में। और इस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पे ब्लॉकचेन और एनएफटीज को लेकर ये लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लोग कहते हैं फ्रॉड है ये, वेब 3.0 का किस तरीके से स्वागत होगा। मेरा काम था इस वीडियो से जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इस वीडियो के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं थोड़ी थोड़ी इंस्पायर्ड करी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, आप जाकर के जोर से रीड कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल से ऑलरेडी मिल जाएगी, काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी वेब 3.0 के ऊपर आप क्या कहना मुझे कमेंट करके जोर से बताना, होपफुली इस वीडियो ने आपको काफी कुछ शेयर करा होगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर गेमिंग कंटेंट के लिए। अगर मैंने कोई गलती करी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर करना, मैं चाहता हूं कि भाई हम लोग आने वाले टाइम पे और आगे बढ़े और नई चीजें सीखे। मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर हो, मैं भी नई चीजें सीखता हूं और जो चीज सीखता हूं आपके साथ शेयर भी करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।